आकाश फिर से तेरा, अब कब तक ऐसे खाना खिलागा मुझे तू? और कौन खिलागा फिर, कोई और है तेरा इस दुनिया में यार अलावा? चुपचाप खाना खा ले आकाश, ड्रामे मत कर ले। तू भी तो खा। मेरा रोजा है, मैं खा नहीं सकता हूँ, तू खा। क्या लगा रखा है रोज रोज का? ये मेरा गैरेज है, कोई दरगाह नहीं। त्यागी जी कम से कम इसको खाना तो खाने दीजिए। कोई खाना वाना नहीं होगा, टाइम ओवर हो गया। चल बे सब समय इटीज है, चल काम पे लग। और हाँ सबके सब कान खोल के सुन लो, मेरे गैरेज में दोबारा से कोई आतंकवादी ना आ जा। त्यागे हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, बल्कि तेरी जैसी सोच रखने वाले लोग आतंकवादी होते हैं। और सुन ले आकाश, तू ठीक है ना आकाश? आकाश क्या हुआ थी? अच्छा हुआ जो तेरे माँ बाप जिंदा ना, अगर आज जिंदा होते तो अफसोस कर रहे होते कि कैसे मुसलमान दोस्त बना लिया तू। त्यागे असलम भाई क्यों उस आकाश के चक्कर में पड़ रहे हो? दोस्त है वो मेरा। दोस्त लाहौल बिला कुब्बत। असलम भाई ये हिंदू किसी के दोस्त नहीं हुए, मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हारी दोस्ती हो कैसे गई उससे। भाई साहब बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ इसका तो, खून बहुत निकल लिया इसके तो, मुश्किल ही है जो बचेगा। तो भाई साहब कितना खून निकल गया, इसको अस्पताल लेके क्यों नहीं जा रहे? तो कौन पड़ा पुलिस के लड़ में, टाइम ना इतना। तो भाई साहब इसे बचा लो यार, अस्पताल लेके जाओ कोई। बचेगा तो है ना, हम क्यों टाइम खराब करें। अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप, इसको मैं नहीं लेके जाऊंगा इसको, ये पुलिस कैसे का? असलम भाई, असलम भाई कहाँ खो गए? असलम भाई ये हिंदू मुशर्रफ अली, तू और उस त्यागी दोनों की सोच में रत्ती भर फर्क नहीं है। तुम जैसे लोगों ने ना हमारे भारत देश में नफरत का जहर घोल लगा है। खुदा हाफिज।